मैं अभी सत्ता के बारी पहुंच चुका हूं। तो देखिए ये सत्ता का बारी है जिसे हम प्लाट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आम के पेड़ लेने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर। चल कर ले ले चल लेना लेना ले। कैसे खनते की दिखा भी धीरे से खनत होगा ताकि जरी मत टूटेगी जाने। बताओ कि देखने खनना चाहिए कि अपने की खींच पर अच्छा ऊपर है पेड़ बनना चाहिए कि लेना भी जूम कर दे जा। जूम नहीं तीर ले। एक कहा तो रे सोच लाए वीडियो तीर ले बना वाला चिन्हा तो अच दूरी ले केला का मोला नहीं पेड़ ले बनाना है तो कर से का होई हो बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे आम के पेड़ इकट्ठा कर लिए हैं, करीब 25 से 30 तो होंगे ही। ये देखिए इस बकेट पे मैंने रखा हुआ है और आम के पेड़ देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, इसको उखाड़ लेते हैं आराम से, धीरे धीरे खींचना है इसको, नहीं तो इसका जो मेन जड़ है जो नीचे जाता है वो टूट जाएगा। एकदम धीरे धीरे इसको पकड़ के खींचना है ताकि ये टूटे ना। ये देख सकते हैं इसका जो लंबा वाला जड़ है फिर भी ये छोटा सा टूट गया है और इसको हम बकेट में रखेंगे, चलेंगे। और ये देखिए ये आम का दो और है, यहाँ पर भी है। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आम का जो पौधा है, क्योंकि ये यहाँ पर आम का बड़ा सा पेड़ है, उसके बीजों के गिरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आम के जो पौधे हैं छोटे छोटे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक मिनट यहाँ पर भी देखिए, इन सब को अभी मैं उखाड़ कर ले जाने वाला हूँ। यही वो आम का पेड़ है जिससे मैंने नीचे से बहुत सारे पौधे लिए, देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये है हमारा कुदाल मेरा, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में कुदरी कहते हैं। तो हम इससे गड्ढा खोद कर हम अपने जो आम के पेड़ हैं उन्हें लगाने वाला हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी इन पौधों को मैं यहाँ पर इस तरह जो जाली लगा हुआ है, ये देख सकते हैं जाली यहाँ पर लगा हुआ है, देख रहा है आपको, तो इसके किनारे किनारे में मैं पूरा लगाते जाऊँगा।
और इधर भी लगाऊंगा, ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कोने कोने में ताकि जो गाय बकरियाँ हैं वो इस तरह किनारे में नहीं जाती है और इसको इसको नहीं खाएगा, क्योंकि इसके नज़दीक में जाएगा नहीं तो खाएगा नहीं और ये सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं इसको कोने कोने में लगाते जाऊंगा इधर पूरा। तो अभी यहाँ पर मैं अपने पहले आम के लिए गड्ढा खोलूँगा इस कुदाल से, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से मैं कुदाल पकड़ा हूँ तो वीडियो थोड़ा हिल रहा है। इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे 4 या 5 इंच और फिर उसमें हम, ये हो गया, ये आम का हम एक पौधा लेंगे और इसको इस तरीके से लगाएंगे, इसमें रख देंगे। ये जो नीचे वाला जो जड़ है ना वो टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ठीक से नीचे अंदर तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। टूटने के बाद अगर ये सही होगा तो इसकी जड़ें धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाएंगी और ये 1 या 2 हफ्ते में ये अच्छे से उगने लगेगा और बढ़ने लगेगा। इसको मिट्टी से इस तरह दबा देते हैं इस तरीके से, बारिश हुआ है देख सकते हैं, पूरा मिट्टी गीला हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर केचुआ है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर हम दूसरा गड्ढा खोदेंगे, हम ये दूसरा पौधा भी लगा देते हैं और यहाँ पर मिट्टी डालेंगे, इसको दबा देते हैं अच्छे से। मुझे वीडियो बनाते नहीं बन रहा ना, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से मिट्टी को दबा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा है मेरा। खैर, मेरा मकसद पेड़ लगाने का है, वीडियो बनाने का नहीं है, ये बस जानकारी के लिए है कि लोग पेड़ लगाओ, गर्मी भगाओ। हमने सभी पेड़ लगा लिए हैं तो चलिए गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10, 11 और वो 12, 13, 14, 15, 16, ये है 17, 18, ये 19 और ये 22, 23 और ये 24, ये है 25, 26 और ये यहाँ पर कोने में 27, 28 और ये 29 और ये है 30, ये 31 और ये 32। अभी तक हमने 32 पेड़ लगाए हैं और ये हमारे पास बचा हुआ है 1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो हमारे पास टोटल 32 और 6, 38 आम के पेड़ हैं, जिनमें से हमने 32 पेड़ लगा लिए हैं और 5 बचा हुआ, 6 बचा हुआ है, तो इन्हें हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरफ। ये रहा 33, 34 और ये 35, 36, 37 और ये 38। हमारा कंप्लीट हुआ टोटल 38 आम का पेड़। आज मैंने आम के 38 पेड़ लगाए हैं। धीरे धीरे मैं जो पेड़ 10,000 लगाने वाला था वो धीरे धीरे लगाते जाऊंगा और इस चैनल पर टोटल जितने भी पेड़ लगा रहा हूँ उसका काउंटिंग मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल में कितने, कब तक मैं 10,000 पेड़ लगाने वाला हूँ।